हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखेंगे कि अब अगर आपका सिलेक्शन कंफर्म है तो आप आगे की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करें। गाइस देखिए, होपलेस नहीं होना है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको वेबसाइट या कोई भी रिव्यू या हर जगह से चेक करने के बाद जिनके चांसेस 100% हैं, जैसे जिनके मार्क्स जो हैं वो 75, 77, 79, 80+ हैं, 90+ हैं, उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कंफर्म हैं। अब उनके डाउट्स ये हैं कि मैम हम टाइपिंग कैसे करें, कि हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कैसे करें। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो जो आपके मार्क्स अच्छे हैं वो आपकी टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी अच्छा रहेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बात करते हैं गाइस अगर हम टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं वो ये हैं कि मैम टाइपिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो गाइस टाइपिंग जो है वो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन टाइपिंग होनी है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर अब हम बात करें दूसरी कि मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम टाइपिंग इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। तो गाइस टाइपिंग आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में करें, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी में करें। और ये क्वेश्चन भी आया है कि मैम क्या टाइपिंग दोनों पर होगी। बिल्कुल नहीं, टाइपिंग दोनों पर नहीं होनी है, टाइपिंग सिर्फ एक पर होगी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी, उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट करें। गाइज मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पुट हुआ है कि मैम हिंदी में कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग करें। तो गाइज हिंदी में जो आपको टाइपिंग करनी है वो आपको मंगल फॉन्ट, इंस्क्रिप्ट मंगल, मोस्टली आजकल सब उसी पर ही करते हैं, इंस्क्रिप्ट मंगल पे। तो आपको गाइज वही टाइपिंग करनी है हिंदी वालों के लिए, इंस्क्रिप्ट मंगल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मैम क्या इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे टाइपिंग के। जी बिल्कुल नहीं, इसके मार्क्स बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ़ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपकी टाइपिंग इंग्लिश में 35 आ रही है तो आप क्वालिफाइड हैं, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आ रही है तो आप क्वालिफाइड हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। कितने मिनट का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, देखिए इसके बारे में KVS ने अभी कुछ डिक्लेयर नहीं करा है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेशन ये माना जा रहा है कि 10 मिनट्स मिल सकते हैं आपको टाइपिंग के लिए, या 15 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा टाइपिंग के टाइमिंग के लिए। टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन ये भी है कि टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो एक ही दिन होगा। मैम बच्चों वो एक ही दिन होने का अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, चांसेस ये हैं कि दोनों जो हैं वो एक ही दिन कराए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बुलाने थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। आप यही मान कर चलें कि अभी एक ही दिन बुलाए जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे कि एक महीने बाद बुलाए जाएंगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये माइंड में सेट करके चलेंगे कि दोनों साथ ही हैं तो आप प्रिपरेशन जो है आप बिल्कुल अपनी 100% कर लेंगे तब तक। अगला क्वेश्चन, टाइपिंग का टाइमिंग कितना मिल रहा है आपको। देखिए गाइज अभी टाइपिंग के लिए आपके पास पूरे 1.5 महीने तो हैं, तो गाइज आप टाइपिंग कर लें, क्योंकि हिंदी में भी 30 और इंग्लिश में 35 टाइपिंग इतनी इजी भी नहीं है कि हलवा है कि भाई हो गई एकदम से। यू नो, आपकी करंट में 45 आनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि गाइज हम एग्ज़ाम में जब ऑनलाइन होता है, जब आप बैठते हैं तो आपको फील होगा आपकी जो फिंगर्स हैं वो कपकपाने लगती हैं, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो गाइज जो आपकी टाइपिंग 45 है वो वहाँ जाकर सिर्फ 35 ही हो जाती है। तो गाइज टाइपिंग पे बहुत ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत मैटर करेगी। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कि मैम ये किस तरह से होगा, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, ये क्वेश्चंस भी मेरे पास काफ़ी आए हैं। तो गाइज सबसे पहली बात, ये भी एक क्वालिफाइंग ही है, क्वालिफाइंग इन सेंस, क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, इसके मार्क्स से KVS ने कुछ नहीं बताया। KVS ने ये कहा है कि हम अपने हिसाब से इसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करते रहेंगे अगर हमें ऐसा लगता है तो। अभी के हिसाब से ये है कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40 मार्क्स तो लेकर आने हैं ही 100 में से। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव होगा या कैसा होगा। गाइज ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें आपको
मैं बताती हूँ किस तरह से होगा। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी एमएस वर्ड पे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करके दो जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करके दो एमएस वर्ड पर, या फिर पूछ सकता है एमएस एक्सेल पर कुछ रिकॉर्ड दे देंगे वो आपको, इस रिकॉर्ड को सबमिट कराओ एमएस एक्सेस पे, एमएस पावर पॉइंट पे आपको कुछ स्लाइड बनाने के लिए दे देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये डिज़ाइन है, इसको इसमें हमें मतलब इसको करके दिखाओ, इस तरह की 10-12 स्लाइड बनाकर दिखाओ, जितनी भी वो स्लाइड्स बोलें उतनी स्लाइड आपको बनानी होंगी। इंटरनेट से रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपको मेल भेजने के लिए बोलेगा भाई जीमेल पे मेल भेज कर दिखाओ, या फिर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप कैसे करोगे, इट मीन्स आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब इसकी तैयारी कैसे करें, 1-1.5 महीना तो है, अगर साथ होते हैं तब, और टाइपिंग के बाद बुलाया जाएगा तो फिर और टाइम मिल जाएगा आपको। तो गाइज इतना नहीं मानना है कि टाइपिंग के बाद बुलाया जाएगा, आप यही मानकर चलें कि टाइपिंग और ये साथ ही हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप प्लीज़ कोई ऐसी गलती ना कर बैठें कि जिससे आपकी जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लीजिए गाइज, वहाँ पर एमएस वर्ड 1 महीने का ज्वाइन कर लीजिए, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से सिखा देंगे, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर सेंटर हैं। तो आप उन पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसके मार्क्स हो सकता है आगे आपके वेरी करें। क्योंकि देखो गाइज अगर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, तो गाइज वो मेरिट जो है हो सकता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी मेरिट भी ले लें। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है गाइज, होपलेस नहीं होना है। देखिए गाइज होता क्या है, हमारा दिल जो होता है वो बहुत ही छोटा सा कमज़ोर होता है, अगर हमारे अंदर कोई भी ज़रा सी भी गलत बात आ जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि वो कार्य हम कर ही नहीं सकते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। यही जॉब नहीं है, ज़िंदगी में अभी बहुत चांसेस आने हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अभी करनी हैं, आप इससे होपलेस ना होएं। जिनके मार्क्स कम हैं गाइज़ प्लीज़ आप अपनी तैयारी करते रहें, आगे बहुत चांसेस मिलेंगे, क्योंकि संघर्ष के रास्ते कभी आसान नहीं होते, और जो उन रास्तों पर जाते हैं उनके लिए कभी भी कोई मुश्किल आती ही नहीं है। तो गाइज़ आपको संघर्ष करते रहना है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा। गाइज़ मेहनत करते रहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।